पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव ने मुख्य अभियंता इंदिरा सागर परियोजना सनावत जिला खरगोन को सिंचाई परियोजनाओं से पानी छोड़ने के लिए चिट्ठी लिखी। सचिन यादव ने कहा है कि इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर बांध परियोजना, खरगोन उद्वहन कठोरा सिंचाई उद्वहन योजना, अपर वेदा बांध, देजला देवाड़ा बांध में से कुंदा और वेदा नदी में और नहरों में पानी शीघ्र छोड़ने की कार्यवाही आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए की जानी चाहिए। गर्मी के मौसम में बांधों से पानी को छोड़ने की कार्यवाही बंद करा दी जाती है, जिसमें नदी किनारे और नहर किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण पेयजल समस्या हो जाती है। निमाड़ अंचल में मई के प्रथम सप्ताह में किसान बड़े पैमाने पर गर्मी में कपास बीज की बुआई प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किसानों को सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही निमाड़ अंचल में मई के महीने में जल संकट भी गहराने लगता है, इसलिए मई के प्रथम सप्ताह में ही इन सभी परियोजनाओं का पानी वेदा, कुंदा और नहरों में छोड़ा जाना चाहिए, जिसमें ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो सके, मवेशियों को भी पीने का पानी मिल जाए और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इस तरह का एक पत्र लिखकर सचिन यादव ने निमाड़ में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन कोरोना महामारी से पहले मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए लुका छुपी का जो खेल खेला जा रहा है, वो कोरोना महामारी के पहले जिस निमाड़ के पास 3-3 मंत्री थे, जब संकट का समय आया उस निमाड़ में अकेले तन्हा गुजारा है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। निमाड़ की जनता अब अपने चुने हुए नेताओं की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है, शायद कोई उनकी तकलीफों को कम कर सके। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं कि निमाड़ अंचल में जितनी भी सिंचाई परियोजना है, सभी में 15 मई तक आवश्यक रूप से पानी छोड़ा जाए। हमारा निमाड़ अंचल में मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में बड़े पैमाने पर हमारे किसान साथी कपास की बोनी करते हैं, और इसलिए सिंचाई के पानी की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप 15 मई तक ये सारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को शीघ्र चालू करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।